छोटे छोटे बच्चे चंचल होते हैं कि नहीं? अच्छा, बच्चे तो चंचल होते हैं, स्वभाव से चंचल होते हैं, मन से नहीं। अच्छा बताओ, छोटे बच्चों का मन चंचल होता है या स्वभाव, शरीर? बोलो बोलो, क्या चंचल है? बच्चों का मन चंचल नहीं होता, बच्चों का स्वभाव चंचल होता है, शरीर चंचल होता है, शरीर की गतिविधि चंचल होती है। बोलो हाँ, बच्चों का मन चंचल नहीं होता, बच्चों का मन स्थिर होता है, इसलिए बच्चे खूब सोते हैं, खूब बढ़िया हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, क्योंकि मन स्थिर है। और मन स्थिर होगा तो आप प्रसन्न रहेंगे। मन स्थिरता का पहला लक्षण है आप प्रसन्न होंगे। अब आपको देखना क्या है, मैं क्यों ये बात कह रहा हूं जरा समझो। ये बताओ, कांटा लग जाए हमें तो कांटे को कौन निकालता है? कौन? नानी? कांटे को, जैसे कांटे को कांटा निकालता है ना, जहर को जहर काटता है, हाँ या ना? उसी तरह जिसका मन चंचल है, तो मैं कहता हूं कि आप लोग बच्चों की तरह शरीर से और बच्चों की तरह बुद्धि से चंचल हो जाइए, तो मन की चंचलता खत्म हो जाएगी। आप चंचल बने मन से नहीं, शरीर से, गतिविधि से, बुद्धि से चंचल हो। अब आप लोग ना बॉडी से चंचल नहीं है, बैठे हैं बस बैठे हैं। कई लोग ना बिल्कुल हंसते भी नहीं। आप लोग बच्चों की तरह चंचल हो। जिस दिन दादी अम्मा अपने बच्चों के संग खेलती है ना, उस दिन दादी अम्मा बहुत खुश रहती है। जिस दिन दादाजी पोते के संग खेल लेते हैं, उस दिन दादाजी बड़े खुश रहते हैं, क्योंकि शरीर आज चंचल हो गया, आज बुद्धि चंचल हो गई, आज विचार चंचल भय, और आज मन क्या हो गया, स्थिर हो गया। कोई एक हिस्सा को चंचल बनाना, अभी आप लोग क्या करते हैं, आपके शरीर चंचल नहीं है, आपका मन चंचल है, जबकि आपने देखा होगा ये दास अनिरुद्ध को, हम शरीर से चंचल रहते हैं, हाँ या ना? आपने हमें देखा, हम उछलते कूदते ही रहते हैं, 3 घंटे यहां बस आपके लिए बैठे रहते हैं तरीके से। नहीं, यहां भी हम 1-2 छलांग मार लें आप तक पहुंच जाएं। तो हम शरीर से चंचल रहते हैं, हम बच्चों के संग खेलते हैं, हम नाचते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, चंचलता शरीर में है, बुद्धि चंचल है, हम मन को अपना स्थिर रखते हैं, हाँ या ना? अब आप लोग क्या है, शरीर आपका बिल्कुल चंचल नहीं है, बुद्धि चंचल नहीं है, मन चंचल है, मन आपका यहां जा रहा वहां, इसलिए मन को साधो। जो मन को साध लेता है उसी का नाम साधु है, जो मन को साध ले उसका नाम साधु। साधु आप भी बन सकते हैं, मन को साधना सबके लिए अनिवार्य है, चाहे लड़की हो, लड़का हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मन को कंट्रोल कैसे होगा, तो आप थोड़ा शरीर से बच्चों के संग रहा करो, बच्चों के संग खेला करो, थोड़ा हंसा ज्यादा करो, बेवजह भी हंसो क्या है, कथा सुनो। मन को वश में करना है तो कथा सुनो, पहला। दूसरा ये बताओ कि मंदारी बंदर को वश में कर लेता है कि नहीं, उत्तर दो। मंदारी जैसे नचाता है बंदर, वैसे वैसे
मंदारी बोलता है ससुराल जाएगा तो कहां बैठेगा डमरू बजा के, जमीन पे बैठेगा कि बिछा के बैठेगा, वो जाके उस पर बैठता है, काहे से जाएगा, गाड़ी चलाता बंदर, हाँ या ना? देखा आप लोगों ने कभी बंदर का नाच, हाँ या ना? मंदारी सबसे चंचल प्राणी कौन है जरा बताओ, बोलो, सबसे चंचल प्राणी बंदर है, लेकिन धन्य है वो मंदारी जो चंचल बंदर को भी वश में कर लेता है। यदि मंदारी बंदर को वश में करता है तो बताओ कैसे वश में करता है, क्या करता होगा मंदारी कि बंदर वश में हो जाता होगा, बताओ क्या करता है मंदारी, ये चश्मा वाले भैया बताएंगे हमारे, मंदारी क्या करता है कि बंदर वश में हो जाता है, बोलो राधे राधे। सही बातें करो, फैक्ट पे बातें करो, क्यों मंदारी क्या करता है बंदर को? हां भाई, मंदारी कई महीने तक बंदर को प्रैक्टिस कराता है, क्या कराता है? अभ्यास कराता है, कई महीनों तक ट्रेनिंग देता है उसे, हाँ या ना? ट्रेंड करता है। जब अभ्यास कराने से, प्रैक्टिस कराने से चंचल बंदर को वश में किया जा सकता है, तो आप भी यदि अभ्यास करें, प्रैक्टिस कराएं अपने मन को भगवान में लगाने की, तो आपका मन भी आपके वश में हो सकता है। मूल मंत्र है अभ्यास, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, प्रैक्टिस अभ्यास करिए, बच्चों को अभ्यास कराइए, कथा सुनने का अभ्यास करिए, माला जपने का अभ्यास करिए, मन चंचल है तो रहने दो, शरीर को बिठालने का अभ्यास करिए, जितासनो जितास्वासो। भाई आप आजाद क्यों छोड़ रहे हैं? आपकी जिह्वा कहती है चलो चाट पकौड़ी खाएं, आप चले जाते हो, जिह्वा को दो थप्पड़ मारो, है चुप रहे अंदर रहे, चल काहे चाट पकौड़ी खाना, हम अंकुरित अनाज खाएंगे, हेल्दी खाएंगे। आंख चंचल है आपकी, चलो उसे देख लेते हैं। कई बार आप किसी की फोटो जूम कर करके देखते हैं, क्या देखना है, क्यों देखना? आंखों पे थोड़ा लगाम लगाओ, कंट्रोल करो, कानों से कुछ भी क्यों सुनना है जो सुनने लायक है, निंदा बुराई चुगली क्यों सुनना है, कंट्रोल। धीरे धीरे मन को हर गलत जगह से आप डांटो, हटाओ, ए मन ए आप कहां जा रही है, चल यहां दे, भगवान को देख, चल वहां मत देख। कई बार आपको डांटना पड़ता है अपनी आंखों को, अपने कान को, अपने शरीर को, अपने मन को डांटना पड़, डांटो। छोटे छोटे बच्चों को डांट के माँ बाप पढ़ाई में बिठाते हैं कि नहीं, ए चल पढ़ाई कर। जब डांटते हो अपने बच्चों को, जब डांटते हो आप औरों को, थोड़ा अपने आप को भी तो डांटा करो, ए मन कहां जा रहा, चल मैं अपने मन को आजाद नहीं छोड़ता, मेरा मन कहीं भी नहीं जाता, जहां मैं चाहूंगा वहीं जाएगा मेरा मन। ऐसा मन किस काम का जो आपको कहीं भी ले जाए, गलत जगह ले जाए, इतना आजाद ना छोड़ो अपने मन को। रावण का मन बहुत आजाद था, तो ले गया चुरा के दूसरे की स्त्री को, नाश हो गया। आजादी इतनी भी ना दो मन को मैया, कुछ भी ना देखो, कुछ भी ना बोलो, बोलने की आजादी नहीं, कुछ भी नहीं बोलना, कुछ भी देखने की आजादी नहीं, कुछ भी नहीं देखना, कुछ भी सुनने की आजादी नहीं, थोड़ा मन को डांटो, अरे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, चल। रे मन सब सो निरस है, सरस राम सो होए, उचित सिखावन देत है निस्दिन तुलसी तोए। बताओ तो मन को कैसे वश में करोगे, जोर से। आप लोगों ने आज तक अपने मन को कोई ट्रेनिंग नहीं दी, कोई अभ्यास नहीं कराया, आपने कभी मन को डांटा नहीं, फटकारा नहीं, थप्पड़ नहीं जमाए, दो थप्पड़ अपने को भी मारना सीखो, दो थप्पड़ अपने को भी
जैसे आप अपने बच्चों को दो थप्पड़ मार देती हो या मार देते हो, ऐसे ही अपने को भी दो थप्पड़ मारो। ए कहां चला चल, आपका खुद पे भी तो कोई कंट्रोल हो। खुद पे कोई कंट्रोल नहीं है, खुद पे कोई ना खाने पे कंट्रोल है आपका, जरूरत से ज्यादा खा के बीमार पड़ जाते हो, ना तो देखने पे कंट्रोल, दिन भर रात 12 बज गए तो मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल कोई कंट्रोल ही नहीं है। और तुम कहीं बातें सुनने को मिल जाए तो कान लगा लेती हो या लगा लेते हो, क्या चल रहा है क्या चल रहा, कंट्रोल ही नहीं है क्या सुने क्या ना सुने। इसलिए क्या करेंगे, अपने को सत्संग में डुबाएंगे, सत्संग के द्वारा आप कंट्रोलिंग पावर बढ़ाएंगे और अभ्यास करते करते धीरे धीरे एक दिन आप अपने मन को जीत लेंगे, जितेंद्रिय बन जाएंगे आप। और जिस दिन आपका मन आपके कंट्रोल में, उस दिन आप बहुत खुश रहेंगे। जिस दिन मन कंट्रोल में, उस दिन सब कुछ पा लिया। अच्छा ये बताओ, पानी चल रहा है तो क्या चलते हुए पानी में चित्र नजर आएगा, प्रतिबिंब? ठहर जाए पानी तो क्या आएगा, बोलो? आपका चित्र नजर आएगा, प्रतिबिंब दिखेगा, हाँ या ना? जब पानी की चंचलता मिटती है तो चित्र नजर आता है, जब मन की चंचलता मिटेगी तो भगवान का चित्र नजर आ जाएगा। भगवान तब तक नजर नहीं आ रहे हैं जब तक मन, जिस दिन मन कंट्रोल हुआ उस दिन ईश्वर सामने है, ईश्वर कहीं गए थोड़ी हैं। पानी को शांत कर दो, अपने आप चित्र आ जाएगा। इसलिए तो कहते हैं तोरा मन दर्पण कहलाए। मन क्या है? दर्पण। इसलिए कहा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर। मुकुर मीन्स मिरर, मीन्स दर्पण। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन, बोलो निज मन, निज मन। मुकुर मतलब दर्पण, दर्पण मतलब कांच, शीशा, आईना। अच्छा शीशे आईने में धूल जमी हो तो क्या आपका चित्र नजर आएगा? उसकी धूल क्या करनी पड़ेगी? जिस दिन आपने शीशे की धूल हटा दी आपका चित्र स्पष्ट हो जाएगा। जिस दिन मन में जमी धूल हट गई अज्ञान की और मन जिस दिन पवित्र हो गया, उस दिन इस मन मंदिर में ईश्वर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। बाहर झांकने की जरूरत नहीं है, बाहर देख। इसलिए ऋषि मुनि भीतर देखते हैं, बाहर कहाँ कोई देखता है। आप लोग हैं जो बाहर देखते हैं, क्योंकि आपके भीतर अज्ञान बहुत है, आप बाहर ढूंढ रहे हैं। पर समझदार मन को पवित्र करता है तो मन में ही उतर आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, माना कि ये शीशा है, माना कि ये दर्पण है, मैं ये दर्पण आपके सामने कर दूं तो आपका चित्र आएगा कि नहीं? और आपके सामने कर दूं तो आपका आएगा कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। क्या दर्पण में कोई चित्र है? बोलो। ये दर्पण जब सामने जाता है तो ये वही दिखाता है जो इसके सामने होता है। उसी तरह आप अपने मन को दर्पण बना लो। जिस दिन मन साफ दर्पण बन जाएगा, जैसे दर्पण में अपने आप आपका चित्र आ जाता है, ऐसे जिस दिन मन दर्पण बन गया अपने आप परमात्मा के चित्र को उतार लेगा। भगवान दिख क्यों नहीं रहे हैं? तुम बाहर कितना भी देख लो, इन आंखों से क्या देखोगे? इन आंखों से कोरोना के बैक्टीरिया ना दिखे तुम्हें, भगवान दिख जाएंगे? पागलों की तरह बातें करते हो। इन आंखों से तुम्हें दही के बैक्टीरिया तो नजर आते नहीं है, इन आंखों से तुम्हें हाथ के बैक्टीरिया तो नजर आते नहीं है, इन आंखों से भगवान नजर आएगा? पागलों की तरह लोग दौड़ रहे हैं, पता ही नहीं है भगवान कहां है। अरे भगवान को देखने के लिए मन की आंखें चाहिए। मन की आंखें खोल तो ये पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल तो ये, बोलो क्या है ये घूंघट के पट खोल तो है। इसलिए कहता हूं, है ना,
घूंघट के पट खोल तो हे पिया मिलेंगे। आपको क्या बताएं मैया, आप समझती ही नहीं हो। घट घट रमता राम रमैया, घट घट रमता राम रमैया, कटुक बचन मत बोल तोए पिया मिलेंगे। कटुक बचन मत, लेकिन तुम तो कटु बोलना है और सोच रहे भगवान नहीं मिला। कटुक बचन बोलोगे तो काहे भगवान मिलेंगे। कटुक बचन मत बोल तोहे पिया मिलेंगे। रंग महल में दीप बरत है, रंग महल में दीप बरत, बरत मतलब जल रहा है। रंग महल में दीप बरत है, आसन से मत डोल तोए पिया मिलेंगे। क्या मतलब हुआ, चलो इस लाइन का अर्थ आप करो। रंग महल में दीप बरत है, आसन से मत डोल तोए पिया मिलेंगे। इस लाइन का अर्थ करो। रंग महल में दिया बरत है, आसन से मत डोल। अर्थ करो मैया। नहीं हो रहा है, अर्थ करो चश्मा वाली मैया। अरे मन में कहां दीप जलाओगी अभी। रंग महल में दीप जलत है, मतलब है कि सामने तुम्हारे कोई नंगा नाचे, सामने तुम्हारे कोई कैसे नाचे, लड़की नाचे, लड़का नाचे, जवान नाचे, बूढ़ा नाचे, आसन से मत डोल। कोई तुम्हारे सामने नंगा नाचे फिर भी तुम्हारा मन उस तरफ ना जाए, ऐसा हो मन तब तो ये पिया मिलेंगे। रंग महल में नाच रही है नाचने वाली, दीप जला तो वहां। रंग महल मतलब राजाओं के यहां कोई कोई नाच रहा, नचनिया नाच रही है। लोग आजकल तो बूढ़े बूढ़े भी लोग नचनिया नाचने आए तो भीड़ लग जाती है। बूढ़े बूढ़े पैसे के नोट दबाते मुंह में ले ले, इन्हें काहे पिया मिलेंगे, इन्हें कौन से पिया मिलेंगे। समझ आ रही है। हाँ, इतना मन पक्का हो कि तुम्हारे सामने कोई नाचता रहे। राम के आगे आई तो सूपनखा सुंदर बनके क्या राम को रिझा सकी। ऐसे ही आपके सामने ना जाने कितनी करोड़ों सूपनखा आएंगी आपके मन को डुलाने के लिए। मन ना डुलाना रे बाबा, आसन से मत डोल तो ये पिया मिलेंगे, और डोल गया तो नहीं मिलेंगे पिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये कबीर दास जी का भजन है। किसका भजन है? कहत कबीर सुनो भाई साधो, अनहद बाजत ढोल तो हे। हाँ, कबीर दास जी कह रहे हमें बाहर का ढोल सुनाई नहीं पड़ रहा है, हमारे तो भीतर खुशी के ढोल बज रहे हैं। ये बात कबीर दास जी की। कहत कबीर सुनो भाई साधो, अनहद बाजत ढोल तो ए पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, अब तुम घूंघट के पट खोल नहीं पाती हो, मतलब भीतर की आंखें। घूंघट के पट, भीतर की आंखों से देखो। आप कहां भीतर की आंखें, कुछ समझती नहीं। आप तो इन्हीं से सब देखना चाहते हैं। पड़ोसी को भी इसी को इसी से देख लें, पड़ोसन को भी इसी से देख लें, और भगवान को भी इसी से देख लें। ना देखेंगे तुम्हें